फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 37, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रेड्स यूजिंग रनेबल इंटरफेस इन जावा। हमने अपने पिछले वीडियो में थ्रेड का इंट्रोडक्शन देखा था। हम जानते हैं कि थ्रेड क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रनेबल इंटरफेस के माध्यम से और दूसरा थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसमें से पहला वाला तरीका देख रहे हैं, यानी रनेबल इंटरफेस के थ्रू थ्रेड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें एक थ्रेड क्रिएट करना है, उसमें कोड अटैच करना है और फिर थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है। पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रोसेसर वो डिवाइस होता है हमारे कंप्यूटर में जो हर तरह का कैलकुलेशन करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। प्रोसेसर के अंदर ही ALU होता है जो हर तरह का कैलकुलेशन करता है। अच्छा, अब प्रोसेसर हर एक प्रोसेस को चाहिए, तो RAM के अंदर, लेट्स से दिस इज RAM, ठीक है, ये RAM। अब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो लेट्स से दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2, दिस इज प्रोसेस 3, दिस इज प्रोसेस 4। अब हर एक प्रोसेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करने वाला प्रोसेसर एक ही है। तो सपोज करिए ये इस तरीके से एक वायर है, इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के अंदर पहुंचेगी और हमारी हर प्रोसेस के अंदर से एक एक वायर निकला हुआ है। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, थोड़ा रेडिकुलस लगेगा लेकिन इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसकी एक एक इंस्ट्रक्शन इस रास्ते बाहर निकलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि वो इस प्रोसेस वाले वायर को हमारे प्रोग्राम वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दे। तो जब वो कनेक्ट करेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने कनेक्शन कर दिया, तो अब हमारे प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास जा पा रही है। इसी तरीके से क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी प्रोसेस को, सेकंड वाली प्रोसेस को कनेक्ट कर देगा प्रोसेसर के साथ, तो अब दूसरी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगेगी, फिर तीसरी को भी इसी तरीके से, फिर चौथी को भी इस तरीके से। एक बार में कोई एक ही प्रोसेस चल सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम स्लाइस मैनर पे, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम सभी को देता है एग्जीक्यूट होने के लिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन दोनों प्रोसेसर का वायर और प्रोग्राम का वायर कनेक्ट कर देता है, ताकि ये एक रास्ता बन पाए इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से प्रोसेसर के पास पहुंचने का। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाती है। हमें भले ही लगता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि वो सारी प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम बराबरी से दे देता है और इन प्रोसेस को एक सर्कुलर क्यू में रख लेता है। मतलब पहली प्रोसेस को थोड़ा टाइम मिला, फिर दूसरी को मिला, फिर तीसरी को मिला, फिर चौथी को मिला, वापस से फिर पहली प्रोसेस को टाइम मिल जाएगा। यानी कि हर प्रोसेस को बार बार अपनी बारी मिलेगी एग्जीक्यूट होने की। तो एक बारी में ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो जाए, कुछ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हो पा रही हैं, पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत थोड़ा सा टाइम एक प्रोसेस को चलने के लिए देता है। इस वजह से उसकी नेक्स्ट चांस एग्जीक्यूट होने की बहुत जल्दी आ जाती है और एक छोटे समय में भी ये कई बार एग्जीक्यूट होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब एक साथ रन हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्राम, हमारे जावा के प्रोग्राम के अंदर हमारे कोड के साथ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक जावा का प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें
हम देखिए, मान लीजिए जावा का प्रोग्राम, तो इसमें हमने बहुत सारा कोड लिखा है। मान लीजिए ये पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मुझे कैलकुलेट करना है कि एक रूम में पेंट करने पर कितना खर्चा आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रूम का एरिया, वॉल्स का एरिया, तो उसका कोड मैंने ये लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए। इसी तरीके से कौन सा पेंट करना है उसको सेलेक्ट करना, उसके टेक्सचर को सेलेक्ट करना, ये कोड मैंने अलग लिखा हुआ है। जब ये दोनों कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब जाके कैलकुलेशन, कॉस्ट कैलकुलेशन वाला कोड चलेगा, क्योंकि उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ पेंट इनटू एरिया ऑफ वॉल, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। अब आप सोचिए कि जावा में ये पहला वाला कोड और ये दूसरा वाला कोड, ये दोनों के दोनों कोड में से कौन सा पहले चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो तीसरा वाला कोड है, ये तभी चल सकता है जब पहला और दूसरा कोड चल चुका हो। नॉर्मली प्रोग्राम सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होता है, तो एक कोड चलने के बाद ही दूसरा कोड चलता है, यानी जो पहले लिखा है वो पहले चल जाएगा। लेकिन हम चाहें, क्योंकि पहला और दूसरा कोड इंडिपेंडेंट है, हम इन दोनों को पैरेलली भी चला सकते हैं। यानी पैरेलल चलने से ये होगा कि ये दोनों में से कोई भी पहले कंप्लीट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, पर तीसरा वाला कोड उसके बाद ही चले। तो मैं इन दोनों को पैरेलली चलाना चाहता हूँ। पैरेलली चलाने में फ़ायदा ये होगा कि अगर पहले वाले कोड में कुछ इनपुट ऑपरेशन है, यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है, तो जब यूज़र से इनपुट लेने वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो स्क्रीन हॉल्ट हो जाएगी और वेट करेगा प्रोग्राम कि आप पहले कुछ इनपुट दो, तभी हम आगे का कोड रन कर सकते हैं। तो वो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा होगा। उस दौरान भी ये दूसरा वाला कोड अपना काम करता रहे, यानी अगर एक रुक भी जाए तो दूसरा चलता रहे। तो अगर हम दोनों कोड को पैरेलली चलाएंगे तो किसी एक के किसी कारण से रुकने पर भी दूसरा कोड चलता रहेगा, तो हमारा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि पहला और दूसरा कोड हमें पैरेलली चलाना है। तो हम बनाते हैं थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या हैं? तो आप इसको इमेजिन करते हैं इस तरीके से, ये एक थ्रेड है जो पहले कोड के साथ अटैच कर दिया। थ्रेड बनाने का मतलब, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई, समझ लीजिए ये थ्रेड है। थ्रेड मतलब धागा। तो थ्रेड हमने बना लिया और उसे पहले वाले कोड के साथ अटैच कर लिया। इसी तरीके से मुझे एक और थ्रेड बनानी पड़ेगी। थ्रेड बनाना एक स्टेप है और उसे कोड के साथ अटैच करना दूसरी स्टेप है। तो पहली स्टेप तो हमें ये करनी है कि क्रिएट थ्रेड, ये पहली स्टेप है। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है कि कोड को थ्रेड के साथ अटैच करो। और तीसरी स्टेप क्या है? थ्रेड को रन करो। ठीक है, अब ये काम हम कैसे करेंगे इसको समझते। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? ऑब्वियसली किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू लिखिए। न्यू लिखकर लिखिए क्लास का नाम, और ये क्या बन गया? ये बन गया थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये थ्रेड बन गया। अभी इसको एसोसिएट करना पड़ेगा एक कोड के साथ। तो मुझे अगर दो थ्रेड्स बनाने हैं तो मुझे बेसिकली करना क्या है? मुझे एक बार फिर लिखना होगा थ्रेड, और एक और थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, T2 से उसे हैंडल करूँगा। मैं लिखूंगा न्यू थ्रेड। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक और थ्रेड बन जाएगा।
ठीक। अब मुझे इस थ्रेड पर कुछ कोड अटैच करना है। तो ये कोड अटैच करने का तरीका ये है कि मैं एक क्लास बनाऊं ए, और इस क्लास के अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन का कोड इस थ्रेड के साथ अटैच हो जाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है? मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इस थ्रेड में पास कर दूंगा। ठीक है, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि थ्रेड क्लास तो पहले से बनी है, तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पहले से बना है। तो थ्रेड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा है? मतलब मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट अगर इसमें पास कर दिया ये कहते हुए कि मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट इस थ्रेड को देना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? ये कंस्ट्रक्टर तो पहले से बना है ना। अब आप इतना तो समझते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर पहले से बना है तो इसका मतलब फंक्शन का पूरा कोड पहले से लिखा हुआ है, तो उसके पैरेंथेसिस में ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि किस टाइप की वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ। भाई जब कंस्ट्रक्टर बना होगा तो आर्ग्यूमेंट क्या और कितने किस टाइप के पास किए जाएंगे ये पहले से तय है ना। तो वहाँ पे मेरे ए क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव कैसे किया जाएगा, उसके लिए ज़रूरी क्या है? थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने वाले ने यहाँ पर ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया हो, तब तो वो ए क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। पर ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, ए क्लास तो मैंने अभी बनाई, थ्रेड तो पहले से बनी हुई है। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट में यहाँ पास कैसे करूँ? तो अगर आपको इंटरफेस याद है, नहीं याद है तो आप उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल। रनेबल एक प्री डिक्लेयर्ड इंटरफेस है। रनेबल रनेबल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है रन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। तो क्लास ए ने इम्प्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को, तो फिर क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आप रनेबल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करें। तो आपने यहाँ फन की जगह पर लिख दिया रन। देखिए ये फन वही फंक्शन था जिसके अंदर के कोड को आप थ्रेड के साथ अटैच करना चाहते हैं। अब आपने ये कोड रन नाम के फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अच्छा, अब फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने से, आपको यदि इंटरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद है, याद दिलाऊं, इंटरफेस का मान लीजिए रेफरेंस वेरिएबल है I1। इसमें आप इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या फायदा? इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा? उस क्लास के ऑब्जेक्ट का जिसने इंटरफेस को किया हो इम्प्लीमेंट। ये चीज़ मैंने इंटरफेस लेक्चर में बताई हुई है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल में रखते हैं। जैसे मैंने ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो उसका रेफरेंस किस में रखा? T1 में। T1 किस क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है। किसका? थ्रेड का। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसी क्लास का आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हो। पर हम चाहें तो ये रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का भी बना सकते हैं। अगर थ्रेड की कोई पेरेंट क्लास है तो उसका रेफरेंस वेरिएबल भी बना सकते हैं, और ये रेफरेंस वेरिएबल हम इंटरफेस का भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट में किसी क्लास का बना रहा हूँ और इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, पर ये रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कैसे रखेगा? तो इंटरफेस को अगर क्लास ने इम्प्लीमेंट किया है तो ऐसा हो सकता है। मतलब अगर I1
रनेबल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल हो तो उसमें ए क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा जा सकता है, न्यू ए। बात समझ में? ए क्लास ने रनेबल को इंप्लीमेंट किया है तो ए क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में रख सकता हूं? रनेबल के रेफरेंस वेरिएबल में। इसका मतलब रनेबल तो पहले से बना हुआ है ना, तो थ्रेड क्लास बनाने वाले ने कंस्ट्रक्टर में रनेबल टाइप की वैल्यू रिसीव करी होगी। यानी मैं ऐसा ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूं जिसने रनेबल को इंप्लीमेंट किया हो। मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा किसका? ए क्लास का। ए क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए पास कर सकता हूं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ने रनेबल को इंप्लीमेंट किया हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। तो जहां पर थ्रेड का कंस्ट्रक्टर बना होगा, मैं थोड़ा सा उसका कोड समझाऊंगा आपको। तो थ्रेड का जहां पर कंस्ट्रक्टर बना होगा वहां पे रनेबल, ठीक है, रनेबल का रेफरेंस वेरिएबल बना होगा R1। तो आप यहां से अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस R1 में चला जाएगा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट को रेफर तो कर पा रहे हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जिसने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन R1 डॉट लगा के वो उसी मेथड को कॉल कर पाएगा जो इस इंटरफेस को बिलोंग करता है। मतलब ये रन को कॉल कर पाएगा और किसी को नहीं। यानी इस क्लास में और भी कई सारे फंक्शंस बने होंगे, उनको कॉल नहीं कर पाएगा पर रन को कॉल कर लेगा, क्योंकि इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को इतना ही हक है कि वो अपने फंक्शंस को कॉल कर सके। तो इस तरीके से मैंने ये कोड अटैच कर दिया इस थ्रेड में। कैसे? मैंने थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में मेरी क्लास ए का ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ये अटैच हो गया। इसके बाद जब मैं लिखूंगा t1.start तब जाके मेरी थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा का मतलब है ये रन फंक्शन चलने लगेगा, क्योंकि R1 ने रन को कॉल कर लिया होगा। अब जैसे मैंने एक क्लास ए बनाई, वैसी एक और क्लास बनाए बी, वो भी रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, उसके अंदर भी रन फंक्शन बनाए और बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैं दूसरी थ्रेड में पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी दोनों थ्रेड तैयार हो गए। और t1.start लिखा वैसे ही t2.start लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने लगेंगे। अब आइए इसका अपन देखते हैं प्रैक्टिकल। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इस क्लास के अंदर हम बनाते हैं मेन फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, मुझे थ्रेड बनाना। थ्रेड क्लास क्योंकि लैंग पैकेज में, इसलिए कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे थ्रेड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया t1 और इसमें मैंने बना लिया थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें क्या पास करना है? हमारी क्लास का ए क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैंने न्यू ए लिखा है, मतलब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना और पास हो गया। पर अभी मैंने ए क्लास बनाई नहीं है, अभी बनाऊंगा। एक और थ्रेड बनाता हूँ t2 नाम से, और जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें पास कर दूंगा बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो मैंने ए और बी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए और t1 t2 थ्रेड में पास कर दिए। ओके, अब मुझे ए और बी क्लास बनानी है। तो देखिए, मैं क्लास बना रहा हूँ ए, पर इसके अंदर पहले तो मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ध्यान रखिए, रनेबल भी लैंग पैकेज में है, इसलिए कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। रनेबल इंटरफेस मैंने बनाया तो मुझे एक फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा रन। रन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है और आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं लेता ये। तो मैं रन फंक्शन के अंदर जो कोड लिख दूंगा वो कोड रन होगा जब थ्रेड चलेगी।
कौन सी थ्रेड? T1 वाली थ्रेड। तो अब इसमें कुछ कोड मैं लिख देता हूँ, डमी कोड लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, और मैं एक लूप लगा देता हूँ, आई की वैल्यू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, यानी 10 बार ये चलेगा। और इसमें लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ताकि मुझे पता चले कि ये फंक्शन चल रहा है। मैंने यहाँ लिख दिया थ्रेड ए लिख देता हूँ, और इसमें कंकैटिनेट कर देता हूँ आई की वैल्यू। या आई की वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कौन सी टर्न इस फंक्शन इस लूप की चली है। ओके, बिल्कुल ऐसे का ऐसा कोड ही मुझे बी क्लास के लिए भी लिखना है। तो मैंने क्लास बी बना ली, ये देखिए। उसके बाद उसमें भी रन फंक्शन है, पर इसमें मैं लिख देता हूँ थ्रेड बी। ये मैसेज से पता चल जाएगा थ्रेड ए चल रही है कि थ्रेड बी चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी हमने दो काम करे, हमने थ्रेड बनाया और वो कोड बनाया जो चलना चाहिए थ्रेड के चलने पर। उस कोड को हमने थ्रेड के साथ अटैच भी कर दिया। अभी थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा t1.start, t2.start, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं कंपाइल कर रहा हूँ example.java। तो देखिए कंपाइल हो गया है विदाउट एनी एरर। अब मैं इसको रन करता हूँ जावा एग्जाम्पल, देखते हैं पहले क्या चलता है। ओके, हमें ये नहीं पता है कि दोनों थ्रेड में से पहली लाइन किसकी चलेगी, किसी की भी चल सकती है रैंडमली। अब ये थ्रेड बी चल रहा है पहले, यानी दूसरी वाली जो थ्रेड है T2 वाली, वो चल गई पहले। उसकी कुछ लाइंस चलती हैं, 3 लाइंस चल पाई हैं, लूप के 3 इटरेशन हो पाए हैं। और उसके बाद फिर ए वाली थ्रेड थोड़ी सी चल गई है, फिर बी वाली थ्रेड चल रही है, फिर ए वाली चल रही है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से ये चल रही है। तो कोई भी एक थ्रेड हो सकती है जो पहले कंप्लीट हो जाए, जैसे बी वाली थ्रेड पहले कंप्लीट होगी। बट देखिए ये कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आएगा। आप दोबारा रन करेंगे, हो सकता है कि एक बार में पूरी थ्रेड चल जाए। अभी मैंने इसको दोबारा रन किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। अब एक लाइन बी थ्रेड की चली, फिर दूसरी लाइन ए थ्रेड की चली, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से चल रहा। बीच में ऐसा भी मौका आया कि ए थ्रेड की कई सारी लाइंस चल गई एक साथ, फिर बी थ्रेड की कई सारी लाइंस चल गई एक साथ। सो ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट कोड हैं, दोनों पैरेलली रन कर रहे हैं। तो जो टाइम उन्हें मिलता है उसमें कितनी लाइंस वो रन कर पाते हैं, ये उनके ऊपर। तो हर रन पर आप देखेंगे कि इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चेंज हो सकता है, क्योंकि वो पैरेलल चल रही हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई पैटर्न है और हर बार रन करने पर वो इसी पैटर्न पे आउटपुट देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये हमने थ्रेड बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अभी जो कुछ मैंने आपको समझाया, मैंने बताया कि रनेबल इंटरफेस है एक पहले से बना हुआ, इस तरीके से कुछ रनेबल इंटरफेस बना हुआ है। तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको सबसे पहले थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये देखिए थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएं, जितने थ्रेड्स आप बनाना चाहते हैं, और उसमें आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हो। तो हम बोल सकते हैं रनेबल ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसके बाद फिर हमें T1 T2 द्वारा स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है। स्टार्ट फंक्शन थ्रेड क्लास का मेथड है जिससे कि थ्रेड का एग्जीक्यूशन बिगिन होता है। तो यही जो कुछ मैंने समझाया है यही इन स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनको पॉज करके रीड कर सकते हैं। जैसे ही रन फंक्शन का काम खत्म होता है, थ्रेड का काम कंप्लीट माना जाता है, यानी थ्रेड एंड हो गई।
यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो आप अपने फेसबुक वॉल पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा मेरे और भी दूसरे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस, और उन पे जो वीडियोज़ मैंने रखे हुए हैं उनके लिंक्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, www.mysurgi.com। आप इस वेबसाइट को विज़िट करें, आप सारे वीडियोस को बहुत अरेंज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस साइट पे देख पाएंगे, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना जाए। इसके अलावा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी साइट पे भी अपलोड कर देता हूँ, तो आपको वेबसाइट में देखने भर से पता चल जाएगा कि कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है क्या। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है तो भी आप इस साइट पर आ सकते हैं, मैंने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी इसमें रखी हुई है। तो आप इस साइट पे आइए अगर आप C, C++, Java, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर कुछ सीखना चाहते हैं तो। थैंक यू।